Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो किसी को भी हैरानी में डाल सकती है। जिस बीच भारतीय सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर आतंकियों से दो चार कर रहे हैं, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए बड़े पैमाने में जम्मू में जुटे हुए हैं, उस बीच जम्मू कश्मीर की धरती पर ही कुछ ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो देश से गद्दारी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, आतंकियों से निपट रही है, उनके लिए खुफिया प्लान तैयार कर रही है। और वहीं कुछ गद्दार पुलिस वाले इस समय विभाग के अंदर मौजूद है जो देश से गद्दारी पर उतारू है, लेकिन वो एक्सपोज हो रहे हैं और एक एक तक पहुंचा जा रहा है, उन्हें ठिकाने भी लगाया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में ड्रग्स बेचकर आतंकवाद को फंड करने के आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी छीन ली गई है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। खुफिया जांच में पता चला कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के साथ नेटवर्क में है। ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है जो आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में फैलाने में ISI की मदद करते हैं। ये नेटवर्क ड्रग्स से तस्करी करता है और इससे होने वाली कमाई से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता। इससे पहले भी 2 पुलिसकर्मी देश से गद्दारी करते हुए पकड़े गए थे। अब एक बार फिर 5 पुलिस वालों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी और हैरानी की बात ये कि इन 5 पुलिस वालों के अलावा एक शिक्षक कर्मचारी भी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद से बचाकर शिक्षा के मार्ग पर लाने का जो सपना देश की सेना और देश के लोग देख रहे हैं, उसे कैसे शिक्षा विभाग के ये कुछ गद्दार बेच रहे हैं, ये पता चल रहा है। पहले इनकी पहचान बता देते हैं। इनमें है हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, कांस्टेबल खालिद हुसैन शाह, कांस्टेबल रहमत शाह, कांस्टेबल इरशाद अहमद चाकू, कांस्टेबल सैफदीन और सरकारी शिक्षक नाजीम दीन। ये सब मिलकर आतंकियों की मदद कर रहे थे, उनके मददगार बनकर सामने आए हैं। लेकिन प्रशासन का चाबुक चला और पहुंच गया हाथ इन गद्दारों तक। अब इन गद्दारों के पास से वो जानकारियां निकाली जाएंगी जिनके बारे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पता भी नहीं होगा। भारतीय सुरक्षा बलों को अब तक एक से बढ़कर एक जानकारी इसी बिना पर हाथ लगी है। धारा 370 के हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लिहाजा वो जम्मू कश्मीर में दीमक लगाने की कोशिश कर रहा है और उस दीमक को बार बार इंजेक्ट कर रही है भारतीय सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।